बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 से एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लिविंग वर्ड इन टाइम। इससे जो पिछला टॉपिक हमने डिस्कस किया था लिविंग वर्ड इन स्पेस, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज बायोम। आई होप कि आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लिया होगा और आज का टॉपिक भी आप पूरी लगन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से एमसीक्यूज हैं। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल डिस्कस करना है, दैट इज जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। तो स्टूडेंट्स आइए हम आज का ये क्वेश्चन मुकम्मल करते हैं। लिविंग वर्ड इन टाइम, लिविंग वर्ड इन टाइम से मुराद क्या है? इसका मतलब ये है कि अर्थ की हिस्ट्री में कौन से टाइम में कौन सा इवेंट हुआ, कौन सा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ और वो किस तरह से डोमिनेट हुआ और एक्सटिंक्ट कब हुआ। तो इसके अंदर हमने ये चीजें डिस्कस करनी है। तो जब से जमीन के ऊपर लाइफ का ओरिजिन हुआ है, तब से बेशुमार लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो इवॉल्व हुए और उनमें से बेशुमार डोमिनेट भी हुए। दे वर इवॉल्व्ड इन डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट पीरियड्स, और यू कैन से दैट डिफरेंट एरास ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। तो फिर वो इसी डिफरेंट एरास में, पीरियड्स में, इवेंट्स में वो डोमिनेट भी हुए और बेशुमार इनमें से एक्सटिंक्ट भी हो गए, यानी कि उनका नामोनिशान दुनिया से मिट गया। तो ये सारा कि ये जो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इनकी एवोल्यूशन, डोमिनेंस और इनकी एक्सटिंक्शन, ये सब हमें कौन सी चीज बताती है? इसका हमारे पास एक एविडेंस मौजूद है और वो एविडेंस हमें कहां से मिलता है? फॉसिल से। कहां से स्टूडेंट्स मिलता है हमें ये एविडेंस? फॉसिल से मिलता है। और फॉसिल्स क्या होते हैं? डू यू नो व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के बाकियात को हम फॉसिल्स का नाम देते हैं, जो कि प्रिजर्व हो जाते हैं रॉक्स के अंदर, रॉक्स की फॉर्म में। ये खुद भी रॉक्स की शेप अख्तियार कर जाते हैं, यानी कि उनकी फॉर्म अख्तियार कर जाते हैं, रॉकी मटीरियल हो जाते हैं ये भी, ये बहुत कंपैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। तो फॉसिल्स हमें बताते हैं कि किस तरह से या कौन से अर्थ के पीरियड्स में या अर्थ के हिस्ट्री में या एरा के अंदर कौन कौन से लाइफ, किस किस्म की लाइफ पाई जाती रही है, ये हमें फॉसिल्स बताते हैं। तो इसका जो लाइफ की, जो लाइफ की हिस्ट्री है, जानदारों की जो हिस्ट्री है, इसका हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो हमें ज्यादा जो बताते हैं वो फॉसिल्स शो करते हैं। और भी बेशुमार एविडेंसेस हैं, पार्ट टू में आप लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस वक्त इसका एक प्रूफ है वो क्या है? फॉसिल्स है। तो आइए स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी डिटरमिन द एज ऑफ फॉसिल्स, यानी कि हमें कैसे पता चल सकता है कि किसी जानदार का जो फॉसिल है वो कितना पुराना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिटरमिन द एज ऑफ फॉसिल्स। तो हमारे पास दो मेथड हैं फॉसिल्स की एज को डिटरमिन करने के लिए। द फर्स्ट वन दैट इज बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स। हाँ जी, तो बताइए सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स या सेडिमेंटरी रॉक्स, वर्ड सेडिमेंट का मतलब होता है सेटल डाउन, यानी कि किसी बॉटम के अंदर मटेरियल का बैठ जाना, उसको कहते हैं हम सेडिमेंट। तो सेडिमेंट यहां से ही वर्ड निकला है सेडिमेंटल रॉक्स का। तो ज्यादातर जो हमें फसल मिलते हैं वो वहां मिलते हैं जहां पे वाटर बॉडी प्रेजेंट थी, क्योंकि वहां पे एनिमल्स का रुझान ज्यादा होता है, मतलब वाटर की तरफ, वाटर के अंदर भी बेशुमार एनिमल पाए जाते हैं। तो जब किसी एनिमल की ऐसे इलाके में, ऐसे एरिया के अंदर जहां पर पानी था, वहां पे
डेथ हो जाती है तो वो एनिमल आस्ता आस्ता डिफरेंट सेडिमेंट्स की लेयर के अंदर डिपॉजिट होता है, अपना दब जाता है नीचे। वो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे सेडिमेंट्स की रॉक्स उसके ऊपर आती जाती है वो नीचे डीप होता जाता है। तो हम उन लेयर्स को कैलकुलेट करके, उन सेडिमेंट्स की लेयर को कैलकुलेट करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फॉसिल कितना पुराना है। तो सेडिमेंटल रॉक्स क्या होती हैं? ऐसी रॉक्स जो कि बनती हैं बाय द डेपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, स्टोनी मटेरियल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, सैंड लाइक पार्टिकल्स, जो दूसरी रॉक्स के टूटने से बनती हैं, जो भी विदरिंग से बनती हैं, तो जमा होती जाती हैं। तो एनिमल जैसे जैसे वो उनकी लेयर बनती जाती है, एनिमल की जो डेड बॉडी है वो वैसे वैसे उनके अंदर दफन होती जाती है। तो आइए देखते हैं, मैंने चंद एक यहाँ पे ये लेयर्स बनाई हुई है सेडिमेंट्स की। ये देखें, फर्ज करें ये एक रिवर है या कोई ओशन है, ये ऊपर ये वाटर है और वाटर के नीचे बॉटम पे सबसे पहली जो लेयर है सेडिमेंट्स की उसको हम कहते हैं मड स्टोन। दूसरी लेयर दैट इज अ सिल्ट स्टोन और थर्ड लेयर जो शो यहां पे की गई है दैट इज लाइमस्टोन लेयर, फोर्थ वन दैट इज सैंडस्टोन और सबसे नीचे वाली है कंग्लोमेरेट। तो ये पांच लेयर्स यहां पे मैंने मेंशन की हैं। अब फर्स्ट करें यहां पे एक फॉसिल पाया जाता है इस जगह पे, ये लाइम सैंडस्टोन में यहां पे कोई फॉसिल पाया जा रहा है इस जगह पे, इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉसिल सबसे ओल्ड होगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये सबसे डीप लेयर में पाया जाता है। इस तरह से अगर यहां पे कोई फॉसिल है, इस जगह पे कोई फॉसिल पाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इससे यंगर है और ये ज्यादा ओल्ड है। अगर कोई यहां पे पाया जा रहा है तो वो उससे ज्यादा यंग होगा, इस तरह से। तो ये ज्यादा ये सबसे ओल्ड होगा, ये उसके बाद, ये उसके बाद। तो ये लेयर्स के अंदर जो पाए जाते हैं, हम इन लेयर को कैलकुलेट करके इन हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कौन सा फॉसिल पुराना है, कौन सा उससे ज्यादा यंग है। तो इस तरह से हमें इसका अंदाजा हो सकता है। तो बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, सेडिमेंट की लेयर को हम डिटरमिन करके, उनको काउंट करके हम बता सकते हैं कि कौन सा फसल कितना पुराना है। द सेकंड वे दैट इज बाय डिटरमिन द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की क्वांटिटी को मेजर करके बता सकते हैं कि फसल कितना पुराना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का आपको पता है कि इनका एक हाफ लाइफ होता है, सर्टन हाफ लाइफ के बाद ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। अगर कोई फॉसिल बहुत पुराना है तो क्या होगा, उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की क्वांटिटी कम होगी क्योंकि बेशुमार उसमें से वो खत्म हो चुके हैं। तो जैसे जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, आइसोटोप की क्वांटिटी कम होगी उतना वो पुराना कंसिडर होगा। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हम देखते हैं कार्बन के और पोटाशियम के, तो जितने किसी फॉसिल के अंदर ये जितने कम होंगे उतना फॉसिल पुराना होगा। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट वेज है जिससे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि फॉसिल्स की एज कितनी हो सकती है, वो कितना पुराना हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी जियोलॉजिकल टाइम चार्ट क्या है। ये देखिए अर्थ की हिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हुए और किस किस पीरियड में हुए, किस एरा में हुए। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है क्या? इट इज एक्चुअली अ कैलेंडर फॉर इवेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री, यानी कि अर्थ की हिस्ट्री में डिफरेंट जो इवेंट्स हुए हैं उनके लिए एक जो हमने कैलेंडर बनाया है, एक हमने जो उसका टाइम स्केल बनाया है उसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। इट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय आर्थर हॉर्मस ने इसको 1930 में सबसे पहले प्रेजेंट किया था। तो अर्थ हिस्ट्री को, जो इसके अर्थ हिस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं, इनको चार इरा में डिवाइड किया गया है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इरास ऑफ अर्थ हिस्ट्री। उसमें सबसे पहला आप बताएंगे सिनोजोइक एरा और सेकंड वन दैट इज मीजोजोइक एरा, थर्ड वन दैट इज
पैल्यूजोइक एरा एंड फोर्थ वन दैट इज प्रोटेरोजोइक एरा। तो ये चार स्टूडेंट्स एरा हैं, ये चार एरा के आपने पहले नाम सीक्वेंस याद कर लेने हैं, सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैल्यूजोइक और प्रोटेरोजोइक, ये चार एरा के नाम आपने याद करने हैं। फिर सीनोजोइक एरा में दो पीरियड्स हैं, कौन कौन से, क्वार्टरनरी और टर्शियरी। मीजोजोइक एरा में तीन पीरियड्स हैं, क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड। पैल्यूजोइक एरा में सिक्स पीरियड है, इसमें आ जाते हैं परमियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, साइलोरियन, ऑर्डोवेशियन और कैम्ब्रियन। तो ये छह पीरियड्स हैं, इन पीरियड्स के भी आपने नाम याद करने हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ पीरियड्स ऑफ पैल्यूजोइक एरा। तो आपने इनको सीक्वेंस से इनको मेंशन करना है। फिर हम इसको देखते हैं कि ये पीरियड्स आज से कितने मिलियन ईयर्स गो हैं, कितने पुराने हैं। मसलन सीनोजोइक एरा या क्वार्टरनरी और टर्शियरी पीरियड 70 मिलियन ईयर्स गो पुराने हैं, और ये एमसीक्यूज में बहुत दफा क्वेश्चन आया है कि इन विच एरा वी आर लिविंग, लेटेस्ट एरा कौन सा है। तो आप बताएंगे लेटेस्ट एरा सीनोजोइक एरा है, हम इसी एरा में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो प्रेजेंट एरा है। फिर क्रिटेशियस पीरियड कितना पुराना है आज से, 135 मिलियन ईयर्स गो आज से। जुरासिक 180 मिलियन ईयर्स गो, ट्रायसिक 225 मिलियन ईयर्स गो और परमियन दैट इज 270 मिलियन ईयर्स और कार्बोनिफेरस 350 मिलियन, डिवोनियन 400 मिलियन ईयर्स गो, साइलोरियन दैट इज 440 मिलियन ईयर्स गो, ऑर्डोवेशियन दैट इज 500 मिलियन ईयर्स गो और कैम्ब्रियन पीरियड दैट इज 600 मिलियन ईयर्स गो। तो प्रोटेरोजोइक एरा सबसे पुराना एरा है और ये एरा आज से 2000 मिलियन ईयर गो पुराना है, यानी कि इसकी जो एज है वो 2000 मिलियन ईयर्स है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने एरा पीरियड्स और उनकी एज यहां पे मेंशन की गई है। तो ये देखते हैं कि हमने इस जलयु टाइम चार्ट को किस तरह से पढ़ना है। इसके अंदर तीन चीजें मेंशन की गई हैं कि कौन सा जो ग्रुप है जानवरों का वो कब इवॉल्व हुआ, कब उसमें से जानदार एक्सटिंक्ट हुए, कम हुए और आज मौजूदा वो कितनी तादाद में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मसलन हम प्लांट से शुरू करते हैं, तो प्लांट्स में देखें स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट्स में सबसे सिंपल प्लांट्स को देखें तो वो यहां पे जो मेंशन किए गए हैं वो फर्न्स हैं। तो प्लांट लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, प्लांट तो वो रियल में नहीं है लेकिन प्लांट से रिजेंबल करते हैं, उससे हम जिले डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एल्जी और फंजाई है। एल्जी और फंजाई प्रोटेरोजोइक एरा से ही इवॉल्व हुए हैं, इनकी एवोल्यूशन शो हो रही है और ज्यादा ये डोमिनेंट इसी एरा में भी हुए हैं। ये आप कह सकते हैं प्रोटेरोजोइक एरा में ही ज्यादा पाए जा रहे हैं, या आप इसको कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर बता सकते हैं कि ये ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये ज्यादा डोमिनेंट थे कैम्ब्रियन पीरियड में। अगर इसको आप इस तरह से इसको इससे मैच करें तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये कैम्ब्रियन पीरियड में ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसकी एज देखें कि फंजाई और एल्जी की एज कितनी है, यानी कि ये जो सही से प्रोमिनेंट हुए, सही वेल डेवलप हुए, तो वो आज से तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स गो पुराने हैं। इनकी एवोल्यूशन की बात भी हम करें, जब ये मुकम्मल तौर पर सही मतलब डेवलप हुए हैं, एल्जी बनी है, फंजाई बने हैं, तो उनकी वो आज से कितने पुराने हैं, 500 मिलियन ईयर गो वो मतलब सही एस्टेब्लिश हुए। इसी तरह से हम अगर ये भी एमसीक्यूज है, नेक्स्ट भी एमसीक्यूज है, कोल फार्मिंग एज ऑफ स्पोर बेरिंग ट्रीज वो कौन से, स्पोर बेरिंग ट्रीज की एज ये आती है कार्बोनिफेरस में, कार्बोनिफेरस में। तो इसके बाद आते हैं फर्न्स, फर्न्स इवॉल्व कब हो रहे हैं, ये डिवोनियन पीरियड में इवॉल्व हो रहे हैं जी, डिवोनियन पीरियड में इवॉल्व हुए कौन, फर्न्स, और ये डोमिनेंट थे परमियन पीरियड में, परमियन पीरियड, और बाद में ये देखें यहां पे आके इनके ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड के लास्ट पे आके ये कम हुए हैं
और आज भी ये इनके जितने पहले पाए जाते थे उसकी निस्बत आज भी ये कम ही हैं, पहले कम थे फिर ज्यादा हुए फिर कम हो गए। तो ये इस तरह से आप फर्न्स के बारे में पढ़ सकते हैं। फर्न्स आपको पता है ये लोअर प्लांट्स में आते हैं, ये इनके सिंपल प्लांट्स हैं, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इनको कह सकते हैं हम, ये फर्न्स को हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कह सकते हैं। फिर दूसरा इसके बाद आता है जी जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड नेकड होते हैं, इनके नेकड सीडेड प्लांट्स में इनको कहते हैं। और इनकी एवोल्यूशन अगर देखी जाए तो ये कहां से है, परमियन में, और डोमिनेंस अगर इनकी देखी जाए तो ये तकरीबन ट्राइएसिक और जुरासिक पीरियड के दरमियान में आ रही है, और उसके बाद ये क्रिटेशियस पीरियड्स में कम हुए हैं और आज भी ये उतनी ही क्वांटिटी में है। इसके बाद आते हैं जी एंजियोस्पर्मिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिंग इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, और इनके जो सीड है वो फ्रूट के अंदर होते हैं। ये तकरीबन परमियन और ट्राइएसिक पीरियड में ये इवॉल्व हो रहे हैं ये, और ये डोमिनेंस इनकी आज बहुत ज्यादा है, इनके आप कह सकते हैं कि क्रिटेशियस पीरियड में ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गए हैं। कौन से प्लांट जी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, और आज भी इनकी तादाद में इजाफा ही हो रहा है। तो ये डिफरेंट प्लांट्स, उनकी एवोल्यूशन, उनकी डोमिनेंस और उनकी जो एग्जिस्टिंग अभी जो मौजूदा है उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये स्टूडेंट्स प्लांट के बारे में था। इसी तरह से एनिमल के बारे में, एनिमल्स जब सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स तरह चलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स भी ऐसे ही आपने स्टडी कर रहे हैं, वो कहां से इवॉल्व हुए, फिर डोमिनेंट हुए, फिर कम हुए, फिर आगे उनकी तादाद बढ़ रही है। इस तरह से फिशेज हैं, फिर एम्फीबियंस, फिर इस तरह से रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और लास्ट में मैमल्स हैं। मैमल्स के बारे में भी आप अगर गौर करें तो उनका भी पहले थोड़े थे फिर आस्ता आस्ता वो बड़े हैं, और आज भी मैमल्स बहुत ज्यादा तादाद में पाए जा रहे हैं। इस वजह से हम मैमल्स को कहते हैं कि इनका जो एरा है, डोमिनेंस एरा है, वो कौन सा है, सीनोजोइक एरा है। तो यहां पे चंद एक एमसीक्यूज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ मैमल्स यानी कि मैमल्स की जो एज है वो कहां से, मतलब कहां पे वो ज्यादा पाए जा रहे हैं, उसको हम सीनोजोइक पीरियड को कहते हैं, एज ऑफ मैमल्स जिसमें मैमल्स बहुत ज्यादा हैं, और मैमल्स ज्यादातर इसी एरा में या इसी पीरियड के अंदर इवॉल्व हुए हैं। फिर बर्ड्स की एज हम बताते हैं कि ये टर्शियरी पीरियड में बहुत ज्यादा थे, और यहां से ही ज्यादातर जो सही बर्ड हैं वो इवॉल्व हुए थे टर्शियरी पीरियड में। तो एज ऑफ बर्ड्स अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे टर्शियरी पीरियड। रेप्टाइल्स की एज ऑफ रेप्टाइल्स दैट इज मेसोजोइक एरा, म्यूजोइक एरा को हम रेप्टाइल्स की एज कहते हैं, या म्यूजोइक में से पीरियड अगर लेना है तो वो जुरैसिक पीरियड है। जुरैसिक पीरियड में बहुत ज्यादा यानी कि रेप्टाइल्स पाए जाते थे, इसमें बहुत ज्यादा डायनासोर पाए जाते थे, और उसके बाद वो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। जरा इधर फोकस करें जी, रेप्टाइल्स में या गौर करें, रेप्टाइल यहाँ से ये एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बताया जा रहा है, और इधर से ये डोमिनेंस का पॉइंट है, और यहाँ पे देखें ये जिसमें से बेशमार कम हुए हैं, और आज इनकी देखें काफी कम ये जो रेंज है ये बताई गई है। तो दरमियान वाला जो ये जो पोर्शन ये बताता है, ये बहुत ज्यादा इस पीरियड में बहुत ज्यादा थे, और ये जुरैसिक पीरियड में बहुत ज्यादा थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि डोमिनेंट कब थे ये, जुरैसिक पीरियड में। और अगर आपसे पूछा जाए कि एज ऑफ रेप्टाइल्स क्या है, उसमें ऑप्शन ये हो मेसोजोइक एरा, तो ये सही आंसर इसका मेसोजोइक एरा होगा। इस तरह से एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ एम्फीबियन क्या है जी, कार्बोनिफेरस पीरियड है। एज ऑफ फिशेस, डिवोनियन पीरियड है। और एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट हम कहते हैं पैलियोज़ोइक एरा, क्या कहते हैं जिसको, पैलियोज़ोइक एरा कहते हैं। यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एज ऑफ इंसेक्ट्स, एज ऑफ इंसेक्ट्स, एज ऑफ इंसेक्ट्स कहते हैं हम, अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू फॉसिल्स, तो फॉसिल के लिहाज से ये इसकी जो एज है ये कहलाती है अर्ली डिवोनियन पीरियड, और अगर हम फाइलेटिक लिनियज के लिहाज से देखें तो इसको कहते हैं हम अर्ली ऑर्डोवेशियन पीरियड। तो ये दो डिफरेंट है, फॉसिल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्ली डिवोनियन पीरियड इसकी एज है फॉसिल्स की, इंसेक्ट्स की। तो फाइलेटिक लिनियज जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उससे देखें तो ये अर्ली ऑर्डोवेशियन पीरियड बनता है। तो यहां पे एक और एमसीक्यूज है,
ट्राइलोबाइट्स क्या है। ट्राइलोबाइट्स याद रखिएगा, ये एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि इसकी एज बताएं। तो ट्राइलोबाइट्स की एज है कैम्ब्रियन पीरियड। एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स क्या है जी? कैम्ब्रियन पीरियड। ट्राइलोबाइट्स अर्ली आर्थ्रोपोड्स हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ट्राइलोबाइट्स की वजह से कहते हैं क्योंकि इसके तीन लोब थे, इन एनिमल्स के तीन लोब थे, इस वजह से इनको नाम रखा गया है क्या? ट्राइलोबाइट। तो ये स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट एनिमल्स के बारे में मैंने आपको बताया है और उनकी जो डिफरेंट अर्थ हिस्ट्री के बारे में आपको बताया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपने मेमोराइज करने हैं कि डिफरेंट एनिमल की कौन कौन सी एजेस हैं, कौन कौन से पीरियड में वो डोमिनेट थे और कैसे वो वार हुए, ये भी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो ये था कि हाउ कैन यू डिटरमिन द एज ऑफ फॉसिल्स, ये आपने दो पॉइंट बताने हैं। फिर आपने सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इसमें इरा के नाम, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो पीरियड्स के नाम, ये आपने स्टूडेंट याद रखने हैं और कोशिश करें कि इनकी जो ये एज है ये भी आप मेमोराइज करें, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के रेफरेंस से। फिर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपने डिफरेंट एनिमल्स की एजेस याद करनी है और उनके बताने हैं पीरियड्स वगैरह। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रह गए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कब इवॉल्व हुआ था। तो आज से वो 3000 मिलियन ईयर गो पहले इवॉल्व हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज इवॉल्व्ड इन, तो आप कहेंगे 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो यहां पे स्टूडेंट ये टॉपिक खत्म होता है। तो आपने ये जो मैंने आपके सामने ये लेयर्स बनाई हैं, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, आपको समझाने के लिए था कि जितना भी फॉसिल पुराना होगा वो उतना लेयर्स के डीप होगा। तो ये मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फाइलेटिक लीनिएज में। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।